कहते हैं ना, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं उन्हें आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाती है, क्योंकि कई बार इंसान का भाग्य भले ही उसका साथ ना दे लेकिन कड़ी मेहनत के बलबूते में वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। ये लाइन पूरी तरह सटीक बैठती है मध्य प्रदेश के कमलेश्वर डोडियार पर, जिन्होंने बेहद गरीबी में रहते हुए अपनी किस्मत राजनीति में अपनाई और मध्य प्रदेश की सैलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत को 4000 वोटों से शिकस्त देकर खुद के सर पर एमएलए का ताज सजाया है। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर उनके लिए कतई आसान भी नहीं था। इस राजनीति की राह में विपक्षियों के तन से ज्यादा तो खुद उनकी आर्थिक स्थिति रुकावट थी, लेकिन उनका हौसला और खुद पर विश्वास शायद आर्थिक स्थिति से बढ़कर था। चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि सैलाना की जनता ने उन पर अपना भरोसा क्यों जताया और इस सोशल मीडिया के दौर पर कमलेश्वर डोडियार की इतनी चर्चाएं आखिर क्यों हो रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई, वहीं कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में ही जीत मिली। लेकिन इस बार के चुनाव में कई चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए हैं जो कि लगातार चर्चाओं का विषय बने हैं, जैसे कि तेलंगाना की कामारेड्डी सीट। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार ने केसीआर और कांग्रेस के प्रत्याशी रेवंत रेड्डी दोनों को हराकर जीत दर्ज की और देश में चर्चा की वजह बन गए। वहीं दूसरी तरफ एमपी की सैलाना सीट भी ऐसी ही है, जहां ना तो कांग्रेस प्रत्याशी जीता और ना ही बीजेपी प्रत्याशी। जीत हुई तो भारत आदिवासी पार्टी की, जिसके उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार है, जिन्होंने 12 लाख रुपए का कर्ज लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल करी। कमलेश्वर ने सैलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत को 4000 वोटों से शिकस्त दी। कमलेश्वर को 71000 वोट मिले और हर्ष को 66000 वोट मिले। बीजेपी की संगीता को जो है वो तीसरे स्थान पर ही रही। इस सीट पर प्रदेश का सबसे अधिक मतदान हुआ, यहाँ पर करीबन 90% जो है वो मतदान हुआ। अब हम आपको कमलेश्वर के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप भी एक पल के लिए हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, कमलेश्वर झोपड़ी में रहते हैं, बारिश में उस पर तिरपाल डालकर परिवार पानी से बचने की कोशिश करता है। कमलेश्वर मजदूर परिवार में पले बड़े हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद वो कोटा चले गए, जहाँ से उन्होंने मकान निर्माण में मजदूरी की। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने गरीबी को नजदीकी से देखा है। कमलेश्वर 6 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं। अब ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कमलेश्वर ने कैसे कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत को मात दी, जो कि पहले से ही इस सीट से विधायक थे। तो बता दें, ये आदिवासी सीट है और कमलेश्वर पिछले कई सालों से आदिवासियों के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव के समय कमलेश्वर डोडियार ने तत्कालीन विधायक हर्ष विजय गहलोत के किए गए वादों को जनता को याद दिलाया, जो कि अब तक पूरे नहीं हुए, जैसे कि किसानों को फ्री में लोन देना। सैलाना विधानसभा सीट के 30000 किसानों को कमलनाथ ने लोन माफ कर सर्टिफिकेट दिया था, मगर उनके पैसे खाते में नहीं आए थे। यही वो कारण है जिसके चलते किसानों को कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। चुनावी माहौल के दौरान कमलेश्वर ने कहा था कि कांग्रेस की पॉलिसी है कि लोगों को अनपढ़ बनाकर रखना, जिससे लोग अनपढ़ रहे और लालच में आकर अपना वोट उन्हें दे दे। शायद यही कारण है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और अपना भरोसा जो है इस बार कमलेश्वर पर ही जताया और उन्हें जो है इस सीट से विधायक बना दिया। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।